अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इफार एजुकेशन। माय नेम इज असद जहीर और आज हम 9 क्लास के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, केमिकल कैलकुलेशन को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि केमिकल कैलकुलेशन को आप बुक में कितने टॉपिक्स में डिवाइड किया गया, सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोल मास कैलकुलेशन। फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी होगी, मोल और मास, जिसमें हम देखेंगे कि मोल में और मास में आपस में क्या रिलेशन है। सेकंड हम बात करेंगे मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन के बारे में, और थर्ड हम लोग बात करेंगे मास और पार्टिकल्स कैलकुलेशन के बारे में। तो बच्चों, हमने जो केमिकल कैलकुलेशन आज स्टडी करनी है, इसमें हमारे पास 3 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में हम रीड करेंगे मोल और मास के दरमियान क्या रिलेशन है। सेकंड में हम कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मोल्स और पार्टिकल्स में आपस में क्या रिलेशन है। थर्ड में हम देखेंगे मास और पार्टिकल्स में आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों, इन केमिकल कैलकुलेशन को आगे फर्दर स्टडी करने से पहले हम लोग इसके मेथड की बात करते हैं कि हमने केमिकल कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो बच्चों, केमिकल कैलकुलेशन करने के हमारे पास कुछ क्या होंगे स्टेप्स पाए जाएंगे, पास कुछ स्टेप्स पाए जाएंगे। इन स्टेप्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गिवन डाटा के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे टू फाइंड। थर्ड स्टेप में हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला, और फोर्थ स्टेप में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो ये 4 स्टेप्स क्या हैं बच्चे, यहां पर देखिए गिवन डाटा आपको रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी उसने आपको केमिकल कैलकुलेशन के लिए कोई स्टेटमेंट दी होगी, तो उसमें उसने जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है वो यहां पे क्या बन जाएगी, आपके पास क्या गिवन डाटा बन जाएगी। टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे, वो चीज जो आपने फाइंड करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, उसको आप किसमें लिखेंगे, टू फाइंड में लिखेंगे। इन दोनों स्टेप को लिखने के बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने यहां पे कौन सा फार्मूला पुट करना है, फिर आप फार्मूला की हेडिंग देके फार्मूला यूज करेंगे, और नेक्स्ट लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये तो हमारे पास है एक जनरल ओवरव्यू कि केमिकल कैलकुलेशन क्या है, कितनी कैटेगरी की आप बुक में अवेलेबल है, उनको सॉल्व करने के हमारे पास मेथड कौन सा है, और उस मेथड के 4 स्टेप हमारे पास यहां पे गिवन है। सो लेट स्टार्ट। हम आप देखेंगे कि मास और मोल में आपस में क्या कैलकुलेशन है, हम इन तीनों कैटेगरी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। सो बच्चों, अभी हम लोग इसकी सब टॉपिक हमारे पास जो था मोल एंड मास कैलकुलेशन, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। अब देखिए, आपको ये एग्जांपल दी गई है, इसमें देखिए आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है। कहता है ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म इन अ स्टॉर्म। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने कौन सा स्टेप यूज करना है, गिवन डाटा वाला। तो अब देखिए, आपको यहां पर उसने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई है। तो यहां पर उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है, 9.05 मोल्स उसने आपको दे दिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास उसने कितने दिए हैं आपको, 9.05 MOL। बच्चे MOL क्या है, मोल्स का यूनिट है। उसके बाद उसने आपको क्या फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, उसने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन। तो आपने टू फाइंड में क्या लिखना है, मास ऑफ ओजोन आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, आपने गिवन डाटा भी लिख लिया और टू फाइंड भी लिख लिया। थर्ड स्टेप हमारे पास कौन सा होगा, फॉर्मूले का। तो बच्चे, अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने जब भी मोल और मास कैलकुलेशन करनी है तो जौन सा हम लोग यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, ये हम लोग फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। तो बच्चे, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला दिया जाए, यहां पे देखिए 3 आपके पास वैल्यूज हैं, मोल भी है, मास इन ग्राम भी है, मोलर मास भी है। तो इनमें से देखें, आपको इनमें से 2 वैल्यूज का पता होगा, थर्ड आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे। तो आप देखिए, यहां पर उसने आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल उसने आपको दे दिए हुए हैं, मास आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहां पर मोलर मास, तो बच्चे मोलर मास की जो वैल्यू होती है,
वैल्यू ऑफ मोरल मास ये कभी भी आपको गिवन नहीं होगी, ये आपने हमेशा खुद फाइंड करनी होती है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे आप? अब देखिए आप यहाँ पे किस केमिकल कंपाउंड की बात करें, आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ओजोन में कन्वर्ट हो रही है। तो जब वो ओजोन में कन्वर्ट होगी तो ओजोन के मॉलिक्यूल हमारे पास कितना है, O3। तो आपको पता है मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, जितने हमारे हम इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 3 बिफोर आ जाएगा और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 16, 3 × 16 = 48 AMU। तो यहां पे देखिए हम लोग यहां पे 48 AMU हमारे पास किया गया इसका मोलर मास। तो अब ये वैल्यू आपने फाइंड की है ना, तो इसको भी आप किस में लिखेंगे, गिवन डाटा पे। लेकिन हम इसको जब गिवन डाटा में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 48 AMU। आपने इसको गिवन डाटा में क्यों लिखा, और इसलिए लिखा कि ये फार्मूला उसने आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको किसमें लिख दिया, गिवन डाटा में लिख दिया। दो इन्फॉर्मेशन ये वाली होगी और थर्ड आपके पास ये वाली होगी। फार्मूला आपके पास क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। अब लास्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है जिसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। अभी आप लोग इस फॉर्मूल में वैल्यूज पुट करें, मोल्स आपके पास कितने अवेलेबल है, 9.05 इज इक्वल टू मास इन ग्राम आपने फाइंड करना है ओवर मोलर मास। तो मोलर मास की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 48। अब आपने मास इन ग्राम फाइंड करना था, 48 वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 9.05 मल्टीप्लाई 48। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मास आएगा वो किस में आएगा, हम लोग जब इसको मास फाइंड करेंगे तो मास हमारे पास किस में आएगा, 434.4 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो हम स्टेटमेंट में जो चीज पूछी गई थी कैलकुलेट थी मास, वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो अब देखिए जब भी मोल और मास का कैलकुलेशन कहीं भी आपको आ, जब भी फाइंड करनी हो जिसमें मास भी और मोल दोनों का रिलेशन हो, तो आपने हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और मोल और मास हमेशा आपने क्या करना होगा, खुद फाइंड करना हो, ठीक है। तो बच्चों हम अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। कहते स्पून ऑफ टेबल सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NaCl। तो यहाँ बच्चों टेबल सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, वो नमक जो हम घरों में यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। कहता है कंटेन 12.5 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट, स्पून में इतना हमारे पास सॉल्ट मौजूद है। अब आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन। तो देखो उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसने आपको मास यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, मास इन ग्राम, क्योंकि उसने आपको ग्राम में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 12.5 ग्राम। क्लियर हो गया। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू ? जब आपने यहां से लिख लिया, अब आप देखें आपके पास किस में रिलेशन फाइंड किया जा रहा है, मास में एंड मोल्स में। तो जब भी मास और मोल की कैलकुलेशन आएगी हमेशा आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। तो यहां पे देखिए मास तो आपको दिया हुआ है, मोलर मास आपने फाइंड करना है। तो थर्ड चीज हमारे पास कौन सी है, मोलर मास। तो ये आप हमेशा फाइंड करेंगे। तो यहां पे देखिए केमिकल फार्मूला आपको कौन सा दिया गया, टेबल सॉल्ट, इसका फार्मूला क्या है, NaCl। तब आप NaCl का क्या फाइंड करें, मोलर मास। आपको पता है कि Na+Cl, Na का मास नंबर 23 और Cl का 35.5, कितना आंसर आ जाएगा, 58.5 AMU। AMU क्या है, इसका यूनिट। तब आपके पास मोलर मास क्या आ गया, मोलर मास इज इक्वल टू 58.5 AMU। तब आपके पास क्या दो क्या नाम है, दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, मास भी मोलर मास भी। मोल्स आपने क्या करना है, फाइंड। तो फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। अब आप ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो मोल्स आपके पास कितने हैं, जो आपने फाइंड करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स आपने क्या करने हैं, फाइंड। मास इन ग्राम आपके पास कितना है, 12.5। मोलर मास कितना है, 58.5। जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास मोल्स की वैल्यू आएगी 0.21 मोल। अब यहां मोल क्या है, मोल जो है वो मोल्स का क्या यूनिट। तो बच्चों हम इसके एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। तो यहां पे देखिए उसने आपको मास किसमें दिया है, 250 मिलीग्राम में दिया है। तो हमने यहां पे क्या दिया हुआ है,
मैस उसने आपको कुछ नहीं दिया 250 मिलीग्राम में। तो बच्चे जब हमारे पास फॉर्मूले में क्या मौजूद है मैस इन ग्राम, यहां पे क्या है मिलीग्राम। तो बच्चे याद रखिएगा कि जो मिली होता है ना, मिली का मतलब है कि आपने किसी भी चीज जो भी होगी आपने उसको किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। मिली का मतलब क्या है कि जिस चीज के साथ मिली लगा होगा उस चीज को आपने 1000 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.25 ग्राम आंसर आ जाएगा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करने है, फाइंड करने है। थर्ड आपने क्या फाइंड करना है, मोलर मास। यहां देखो आपको कौन सा कंपाउंड दिया गया, कार्बन। और कार्बन एक एलिमेंट है, तो मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है, मोलर मास ऑफ कार्बन हमारे पास होता है 12 AMU। तो आपके पास क्लियर। अब हम इसको हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। वैल्यूज पुट करें, मोल्स आपने फाइंड करने हैं, आपके पास मास कितना है 0.25 और मोलर मास कितना है 12। आपके पास कितना आंसर आएगा, 0.021 मोल आंसर आ जाएगा। तो मोल्स आपके पास कितने आ गए, 0.021। तो बच्चे यहाँ पे इस एग्जांपल को करने का मकसद ये था, आपको बताया जाए कि अगर मास आपको मिलीग्राम में दिया गया है तो मास फॉर्मूले में किस में लगता है, ग्राम में लगता है। तो मिलीग्राम से ग्राम में जाने के लिए आप ये करते हो, किस चीज को 1000 से डिवाइड करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्राम में। अगर आपको लिखा होगा 1.5 किलोग्राम, अब यहां पे देखो किलोग्राम में है 1.5 किलोग्राम, तो कोई भी किलोग्राम ऑफ MgO, let's say compound आपके पास MgO या आप कार्बन ही ले लें। अगर आपको 1.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, किलोग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो आपको याद बच्चों पता होना चाहिए कि किलो जब भी आएगा आपने चीज को 1000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मिली के केस में डिवाइड करना है और किलो के केस में क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.00 ग्राम। अब आप दोबारा ये स्टेप हमारे पास यही इन्वॉल्व होंगे। तो बस इस एग्जांपल को करने का मकसद ये था, आपको बताया जाए कि मैस अगर मिलीग्राम में होगा तो आप पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, अगर वो ग्राम में किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो किस में आ जाए, ग्राम में आ जाए। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे सब टॉपिक मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या है, मोल और पार्टिकल कैलकुलेशन में कि आपने मोल और पार्टिकल्स का आपस में रिलेशन बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल। कहते हैं जिंक इज अ सिल्वरी मेटल दैट इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट क्रोयन। कहते हैं जिंक क्या है, जो स्टील जो मेटल होती है ना, स्टील मेटल को क्रोयन का मतलब यहां पे ये होता है जंग लगना। तो स्टील को जंग लगने से कौन बचाता है, जिंक बचाती है। तो कहता है कि आपने क्या करना है, हाउ मेनी एटम्स आपने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एटम्स, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। देयर इज 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। तो मोल्स ऑफ कितने दिए गए हैं, मोल्स ऑफ जिंक आपको कितने दिए गए हैं, 1.25 MOL। मतलब कि मोल ऑफ जिंक उसने आपको दे दिए हैं, अब आपसे वो कह रहा है फाइंड करो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो। तो आप लास्ट अगर आपने फर्स्ट टेबल देखी तो फर्स्ट में आपने बात की थी मास और मोल के रिलेशन की, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम एंड मोलर मास ओवर मोलर मास। अब यहां पे देखिए मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स इसकी बात हो रही है, तो इसके हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे हमारे पास क्या होगा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर्स। बच्चों आपको पता है कि NA का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये किसके बराबर होते हैं, 6.022×10^23 के। अब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल, बच्चे याद रखिएगा यहां पे जो पार्टिकल्स मेंशन किए गए हैं ना, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में एटम लिखा, एटम्स दिए हुए हैं तो आप फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे, एटम पुट कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूले में मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो आप यहां पे क्या पुट कर देंगे, मॉलिक्यूल्स। अगर आपको आयंस दिए गए हैं तो आप यहां पे क्या पुट कर देंगे, आयंस पुट कर देंगे। क्योंकि एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी चीज आपको दी होगी वो आप किसी जगह पुट कर देंगे, पार्टिकल की जगह पुट कर देंगे। तब यहां पे देखिए आपको मोल्स भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ओवर NA भी है, मींस क्या वगैरह नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको उसने दे दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पार्टिकल कौन से दिए गए, एटम्स। तो नंबर ऑफ
एटम्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स। हमें लास्ट फर्स्ट टाइप में हमने मोलर मास जहां पे गिवन था, तो मोलर मास हमेशा हम क्या करते थे, फाइंड करते थे। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स हैं। तो हमें पता कि एवोगैड्रो नंबर्स किसके बराबर होते हैं, 6.022 × 10²³ के बराबर होते हैं। हम वैल्यू वैसे लगा देंगे। हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, थर्ड आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, मोल्स इज इक्वल टू अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, अब आपको उसमें एटम्स नहीं है, तब आप यहां पे क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ओवर एन ए। अब आप वैल्यूज पुट करें, मोल वैसे ही आ जाएंगे, सॉरी मोल उसने आपको दिए हैं 1.25। आपके पास आपने नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड करने और एवरेज नंबर आपके पास कितनी है, 0.22 × 10²³। आपने एनए की वैल्यू यहां पे क्या कर दी, पुट। अब ये यहां पे जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड 6.022 × 10²³। जब आपने सॉल्व किया, आपके पास आ गया 7.53 एटम्स आ गए, 7.53 मल्टीप्लाइड 10²³। आपके पास यहां पे क्या देंगे, एटम्स आ जाएंगे। अभी आपने कैसे किया, आपने 1.25 को मल्टीप्लाई किया 6.022 × 10²³ के साथ। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसके एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए आप उसने इंफॉर्मेशन आपको दी है, कहते हैं दी कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर That would contain 3.011 × 10²⁷ molecules of this compound. तभी आप उससे उस हिसाब से क्या find किया, calculate the number of moles. आपने क्या find करने हैं, number of moles आपने क्या करने हैं, find out करने हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं किसमें number of molecules ने आपको किसने दिए हैं, उसने आपको number of molecules कितने दे दिए हैं, 3.011 × 10²³ मॉलिक्यूल उसने आपको दिया। अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आपको दे दिए हैं, आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एन ए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह उसने आपको क्या दे दिया, मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। मोल्स आपको आपने फाइंड करने हैं। अब एवोगैड्रो नंबर्स आपके पास गिवन है, तो एवोगैड्रो नंबर की जगह क्या लिखेंगे, 6.022 × 10²³ लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एन ए। वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब आपके पास मॉलिक्यूल कितने अवेलेबल है, 3.011 × 10²⁷ डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे आप 6.022 × 10²³। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 3.011 को डिवाइड करेंगे 6.022 पे, आपके पास 0.5 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऊपर कितनी वैल्यू थी, 10.23 पर जाके और एगी माइनस, आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.5 × 10²⁴। तो ये आपके पास क्या आगे आंसर, आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, 5000 mol। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आंसर लेके आ सकते हैं, या आप इसे सिंपल वैल्यू को डिवाइड करेंगे और पावर ऑफ जाके आ जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस किया हमारे पास 10⁴ आ गया। सो तो बच्चों अभी हम इसकी पार्ट 3 की बात करेंगे, मास पार्टिकल कैलकुलेशन के बारे में। तो इससे हम पहले किससे सॉल्व करेंगे, एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो आपको उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 2 × 10⁻¹ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास। तो मास आपने फाइंड करना है, मैस आपने क्या करना है, फाइंड करना है। किसमें करना है, ग्राम में फाइंड करना है। हमें पता है मैस हमेशा किसमें फाइंड करते हैं, ग्राम में। आपको उसने क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए उसने आपको, 2 × 10⁻¹ मॉलिक्यूल्स। उसने आपको 2 × 10⁻¹ क्या दे दिए, मॉलिक्यूल्स दे दिए। आपने क्या फाइंड करना है, मैस इन ग्राम आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे फार्मूला चाहिए, तब आपने जो पीछे दो फार्मूले किए, आपने कहा था मैं, आपने पीछे दो फार्मूले कौन कौन से किए, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर
मोलर मास, सेकेंड आपने किया था मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एन ए, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर्स। आपने ये दो फॉर्मूले आप कर चुके हैं, आप देखिए इन दो इस फॉर्मूले की स्टेटमेंट में कहीं भी आपको नंबर ऑफ मोल नजर आ रहे हैं, अब मतलब क्या होगा कि थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। फर्स्ट स्टेज में जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे साथ मास होगा, सेकंड स्टेज में जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, लेकिन थर्ड वाले में नंबर ऑफ मोल्स कहीं भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो बच्चे देखिए आपने ये जो पीछे दो फॉर्मूले यूज किए हैं फॉर्मूला वन एंड फॉर्मूला टू, इसकी लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है मोल्स एंड मोल्स, इसकी लेफ्ट साइड आपस में क्या होगी है इक्वल होगी, कट आउट होगी, तो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? जब दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या जाएगा मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर्स। तो देखिए यहां पे फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला आपने किया आपको याद हो चुका होगा, तो अब आप देखें कि दो स्टील इन दोनों फॉर्मूला के लेफ्ट साइड आपस में क्या है इक्वल है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों राइट साइड आपस में क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएगी। तो आप ये वाला फॉर्मूला हम कहां पे यूज करेंगे? टाइप थ्री में यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? देखिए यहां पे मास भी अवेलेबल है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अवेलेबल है, तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या थे मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास इस वजह से आ गए, मास हमारे पास यहां पे आ गया। अब देखो यहां पे दो एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, एक हमारे पास क्या है एवोगैड्रो नंबर्स, हमें पता हो कि एवोगैड्रो नंबर की जो हमारे पास वैल्यूज है वो फिक्स होती है, वो कितनी होती है 6.022×10^23 ये हमारा फिक्स वैल्यू आ गई। थर्ड वैल्यू हमारे पास कौन सी है मोलर मास, तो आपको पता है मोलर मास हमेशा आप क्या करते हैं फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला कौन सा दिया गया है नाइट्रोजन गैस का, तो बच्चे नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हमेशा N2 की फॉर्म में होती है, जब आप मोलर मास फाइंड करेंगे तो आपने क्या फाइंड करना है मोलर मास किसका, मोलर मास ऑफ N2 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2N, N की वैल्यू कितनी है 14, क्या हो जाएगा 28 AMU, तो आपके पास मॉडल में कितना आ गया नाइट्रोजन का 28 AMU आ गया। तो अब आप यहां पे देखिए आपके पास थ्री वैल्यूज हो चुकी हैं 1, 2 and 3 वैल्यूज आपके पास आ गया, फोर्थ आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। हम आप फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या है मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि एटम्स हो मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो हमेशा किसकी जगह पुट करेंगे पार्टिकल की जगह, एवोगैड्रो नंबर 6.022×10^23। अब आपने ये बात हुई हमारे पास यहाँ पे क्या है एवोगैड्रो नंबर्स, हम सॉल्यूशन में इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, मास इन ग्राम आपने क्या करना है फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा मोलर मास आपने कितना फाइंड किया 28, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आपके पास 2×10^10 और एवोगैड्रो नंबर 6.022×10^23। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा रीरेंज हो जाएंगे, जब रीरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू 2×10^10 ओवर यहां पे क्या आएगा मल्टीप्लाई 28 और नीचे क्या आएगा हमारे पास 6.022×10^23 आ जाएगा। अब 2 जब 28 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा 56 मल्टीप्लाई 10^10 डिवाइडेड बाय 6.022×10^23। आप 5.6 को डिवाइड करें आप 6.022 पे आपके पास आ जाएगा 9.3 मल्टीप्लाई 10^10 वैसे ही 23 ऊपर जाके हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 9.3×10^-13 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया मास इन ग्राम, ये हमारे पास क्या आ गया मास इन ग्राम। बच्चों अभी हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, तो कहता है कैलकुलेट दी मास इन ग्राम, तो अब आपने क्या फाइंड करना है मास इन ग्राम आपने फाइंड करना है, तो किसमें लिखेंगे टू फाइंड में, तो मास इन ग्राम आपने क्या करना है फाइंड करना है ऑफ 1×10^25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आप उसमें क्या दिए हुए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए हैं, कितने दिए हैं 1×10^25 मॉलिक्यूल्स उसने आपको दे दिए हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है,
मैथ्स आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तभी हमने फार्मूला बना लिया था कि जब हमने दो फार्मूलों को कट आउट किया, हमारे पास ये थर्ड फार्मूला आ गया। अब इसमें देखें आपके पास क्या मैथ्स इंटरनल, वो आपने फाइंड करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल जगह क्या यूज कर लिया, मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसने आपको दे दिए हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, एवोगैड्रो नंबर्स, तो एवोगैड्रो नंबर्स उसने आपके कितने होते हैं, 6.022×10^23 वैल्यू होती है इसकी। हमारे पास क्या रह गया, मोलर मास, तो मोलर मास आपको किसका निकालेंगे, वाटर का निकालेंगे। यहां पर हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ H2O, क्यों, कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, H2O। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास कितने H हैं, 2H प्लस ऑक्सीजन, 2H की वैल्यू 1 होती है, 1 पुट की, प्लस O की वैल्यू 16 होती है, 2 × 1 = 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 AMU। हमें पता है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मोलर मास को फाइंड करते हैं 18 AMU में, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास 18 AMU। हमारे पास तीन चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, नंबर ऑफ मोल उसने दिए होते हैं, एन ए और मोलर मास हमारे पास हमने फाइंड कर लिया है। मास आपने फाइंड करना है, फॉर्मूला पुट करेंगे, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एन ए। अब आप इसकी वैल्यू पुट करें, मास इन ग्राम आपने फाइंड करना है, मोलर मास आपके पास आ चुका है 18, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 10^25, और एवरेज नंबर 0.22×10^23। रीअरेंज करेंगे इसको आप, मास इन ग्राम इधर आ जाएगा, 18 वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आपके पास वैसे ही आ जाएगी, ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 × 1 क्या हो जाएगा, 18 × 10^23, क्योंकि 18 × 1 = 18 × 10^25 वैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.022×10^23। तो 18 को जब आप 6.022 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.99। तो 0.99 × 10^ कितनी है, 25, और 23 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.99×10^2। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम कितना आ गया, 0.99×10^2। इसको आप रीअरेंज कर लेंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट कहां पे जाएंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.299 ग्राम, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमने थ्री टाइप्स की बात की थी, तो हमने फर्स्ट टाइप जिसमें हमने मोल्स और मास का रिलेशन फाइंड किया, इसमें हमने थ्री एग्जांपल सॉल्व किए आज, फिर हमने मोल्स और पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रिलेशन को फाइंड किया, इसमें हमने टू एग्जांपल फाइंड की, फिर अभी हमने लास्ट एग्जांपल हमने रिलेशन फाइंड किया मास और पार्टिकल्स का, इसमें भी हमने कितने एग्जांपल सॉल्व किए हैं, टू एग्जांपल सॉल्व किए हैं। तो ये तीन जो फार्मूलेज हैं, ये आपने नाइन्थ क्लास के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट चैप्टर में, इन तीन फार्मूलेज को यूज करके आप उनको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि आपने ये स्टेप्स माइंड में रखनी है, गिवन डेटा टू फाइंड फार्मूला एंड सॉल्यूशन, इनमें हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो इसलिए आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इन फोर के फोर स्टेप्स को क्या करना है, इसमें यूज करना है।